सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे, परंतु उससे पहले हम अपठित गद्यांश के बारे में जानते हैं कि अपठित गद्यांश क्या होता है। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। इसका मतलब हुआ कि गद्य का ऐसा अंश जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। ऐसे गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले गद्यांश को दो बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, चलिए अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं और फिर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम करने से शरीर चुस्त और बलवान बनता है। व्यायाम करने से शरीर से पसीना निकलता है, जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। शरीर स्वस्थ होने से मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। इससे काम करने में रुचि बढ़ती है। सुबह सैर करना, दौड़ लगाना, रस्सी कूदना, तैरना, साइकिल चलाना तथा खेलना, ये सभी व्यायाम ही हैं। बच्चों, आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न एक है, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? बच्चों, इसका उत्तर होगा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। प्रश्न दो है, व्यायाम करने से शरीर कैसा बनता है? इसका उत्तर है, व्यायाम करने से शरीर चुस्त बनता है। बच्चों, प्रश्न तीन है, व्यायाम करने से शरीर से क्या निकलता है? प्रश्न तीन का उत्तर है, व्यायाम करने से शरीर से पसीना निकलता है। बच्चों, प्रश्न चार है, व्यायाम करने से काम करने में डैश बढ़ती है। इसका उत्तर होगा रुचि, तो खाली स्थान में आएगा रुचि। व्यायाम करने से काम करने में रुचि बढ़ती है। बच्चों, प्रश्न पाँच है, विलोम शब्द। आपको अब स्वस्थ शब्द का विलोम शब्द बताना है। बच्चों, विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत शब्द। तो स्वस्थ शब्द का विलोम शब्द होगा अस्वस्थ। धन्यवाद बच्चों।